काम करने आए सोने आए आप? यार ठंड बहुत है, ठंड थोड़ी हल्की हो जाए फिर हम काम पे लगेंगे। ठंड तो कम नहीं होगी तो इसका मतलब मार्च में हम शूट स्टार्ट करेंगे। ये राइटर है, ये 2 घंटे लेटर राइटर हमारा। ये देखिए कंटेंट साहब के पास है, कंटेंट हमारे पास है, लेट है ये बंदा 2 घंटे। कराची वाइज की जब शूट होती है ना, स्पेशली मेरे घर पे तो 8 बजे की शूट होती है, हम 6 बजे रखते हैं क्योंकि आगे हमें 2 घंटे जरा ये जो है ना क्या करना पड़ता है सर, हमें बुल्लड़ मारना। हाँ वो उसको वो कहते हैं ना योगा टाइप का कुछ, तो ही हमारा अपना मतलब वार्म अप होने के लिए, वार्म अप होने के लिए। चश्मा उतारो तुम, क्या तुम पूरा है टोपा शर्ट वर्ट सब मतलब कुछ भी नहीं है अपना? शर्ट अभी नहीं लिया है ना, दे दूंगा आपसे यार। खाना है सर? और कोई हुक्म सर? सर ये रहा खाना आपका, ये देखिए दिख रहा है, दिख रहा है, दिख गया। अच्छा भाई इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, आरिश के लिए। तो आप देखें इस चेहरे पे कौन बैठेगा सही। क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहे हो, लड़की ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, भाई क्या कर रहे हो, बैठेगा क्या मतलब ये यार वही होता है, मतलब जोड़ा सही बैठेगा नहीं बैठेगा वो वाली बात, चेहरे पे नहीं बैठेगा वो, मतलब क्या होता है वो उसकी मर्जी है वो क्या काम उठाएगा। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस मासूम बच्चे के रिश्ते की तलाश है हमें। तो अगर आप उम्मीदवार हैं तो हम आपका रिश्ता इस बच्चे से करवा सकते हैं। डिटेल्स ये हैं कि भाई बहुत टैलेंटेड बच्चा है, काफ़ी टाइम से आप इसको जहाँ देखें, इसका मैसेज भी आ गया कि अम्बानी भाई कोई बात बनी, खैर एनीवे तो बहुत टैलेंटेड है, दिखाते हैं आपको इसके टैलेंट की कुछ झलकियाँ, चेक करें। लता बैठी है हमारे पास, लता बैठी है। देखिए बंदा कितना घुसा हुआ है गाने के अंदर, के गाना ही बोलिया। तो जनाब आज की एपिसोड के अंदर हम आपको जिस वीडियो का BTS दिखाने वाले हैं वो कराची वाइज की हिस्ट्री में एक बड़ी मुबारक वीडियो साबित हो चुकी है। जी हाँ, बॉयज इन विंटर, और इसी वीडियो के बाद कराची वाइंस के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। खैर वीडियो में आपको BTS के साथ साथ हम दिखाएंगे एक छोटा सा रिव्यू हमारे फील्ड वर्ल्ड लट 06 मॉनिटर का, जो कि एक फील्ड मॉनिटर है, इसके ऊपर भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस शूट पे हमने क्या क्या हरकतें की। तो जनाब इस टाइम हम लोग एक सीन शूट कर रहे हैं जो कि किसी एक ATM के बाहर है, और अभी सीन शूट हो रहा है तो हम आपको ये नहीं दिखाएंगे कि क्या चले, इससे आपको कंटेंट पता चल जाएगा। यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिन बाद हम शूट कर रहे हैं, दिल गार्डन से हो रही है, लबे शीरी सा लग रहा है, हिले नहीं, फोकस नहीं हो रहा है। मिस्टर सलमान इज ऑलवेज ऑन कॉल सर, इतने दिनों बाद आपकी माशाल्लाह से आपका ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन मतलब हुआ, सर्जरी हुई, सर्जरी हुई, तो कैसा फील हो रहा है आपको बाहर निकल के? वैसा ही हो रहा है जैसे 1.5 साल। क्या हो गया भाई, शूट क्यों नहीं हो रही मौलवी? ATM यूज हो रहा है। ATM यूज हो रहा है सर, क्या है यार ये आपके होते हैं, आप खाली करवाओ ना, कैसी शूट है यार ये, प्रोडक्शन प्लानिंग सही नहीं है। आप घर चले जाएं, आपको देख देख के मुझे लग रहा है सारे के सारे यूज करने आ रहे ATM। मसला ये है कि ATM खाली नहीं हो रहा भाई, हमने कैश खाली कर दिया है, अब हो जाएगा मसला तो। आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ कैश है ATM, आउट ऑफ कैश है, उसे पता है KV की शूट हो रही है भाई, हमारे पास भी बैंक भी रखे हुए हैं, बैंक भी रखे हुए हैं। और ये शूट के दौरान फैंस, अरे ये तो मेरी तरह दिखता है हमारे साथ, तो ले लो भैया हमारे साथ, तो ले लो ये हमारे लाइट काका है। लाइट काका कैसा लग रहा है आपको ये इतने दिनों? ये पागल हो चुका है, ये आपको उधर नहीं है, उतरेगा नहीं। सही है, सही है, लाइट बिल्कुल सही है, चेक कर लिया तेरे भाई, लग रहा है मेरे को लाइट तो सही है। ये आदमी जहाँ भी लंडा देखता है फुल जेबे अपनी। सर ये हमारी नेक्स्ट लोकेशन है शूट की, आमिर भाई सबसे प्राइम लोकेशन है शूट की सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए, अगर सर्दियों में ये लोकेशन आपने अपनी वीडियो में यूज नहीं की तो आपको मजा नहीं आएगा। या मेरे अल्लाह, तो सर कैसा लग रहा है आपको कराची मैन के साथ काम करके? और चाचा अल्लाह भला करेगा, चाचा दादा आप दुआ करो हमारा भी अल्लाह भला करे। पीस बड़ा टैट, रात के 12:30 बज रहे हैं, शूट खत्म हो गई है, और आपको पता है कि कराची वाइंस में शूट के बाद क्या होता है? ये होता है ये भाई, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, और उसके बाद स्पॉन्सर से पैसे यही लेके आता है। नहीं नहीं
पैसे अल्लाह लाता है, हम सबके नसीब का मिलता है। हाँ वही 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 इतना काफी है। चाय। तो दोस्तों ये जो मोमेंट आप इस वक्त देख रहे हैं ना, यकीन माने जितनी भी मेहनत हम सारा दिन करते हैं वो इसी मोमेंट को कमाने के लिए करते हैं। जी हाँ, हर इंसान जो है वो दो वक्त की रोटी कमाने में लगा है, और यकीन करें जब सारे दोस्त बैठे हों मेहनत के बाद खाना खाने का अपना ही मजा है। तो इस तरह के BTS जो है वो और भी हम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। आई होप कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। जैसे कि हमने वादा किया था कि भाई फील्ड वर्ल्ड लट 6 का रिव्यू हम करेंगे वीडियो के एंड में, तो वक्त आ चुका है। और ये एक फील्ड मॉनिटर है, इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेरी फेवरेट है, जो की फीचर्स हैं, वो सबसे पहले ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में देखने को नहीं मिलते, जिसके अंदर मल्टीपल लाइक वाइड रेंज जो होती है ना वो हो ऑप्शंस की, जैसे कि हिस्टोग्राम, फॉल्स कलर और सेफ्टी मार्कर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कलर कंट्रोलिंग के लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो है 2600 निट्स के ऊपर बनाई, यानी कि आप इसको डे लाइट में अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रीव्यू देगा। और आपके जो सूरज वूरज के मसले होते हैं ना, कि आप धूप में शूट कर रहे होते हैं, कैमरे की स्क्रीन छोटी होती है और आपको प्रॉब्लम होती है फोकस वगैरह सेट करने में, तो आप इसके साथ जो है ना वो आपका मसला हल हो सकता है। और साथ में इसमें फोकस पीकिंग भी है, ज़ेब्रा जो होता है मार्किंग, वो सारी चीज़ें इंक्लूड है, तो आपको फोकस करने में या आपको जो है ना अपने ऑब्जेक्ट को एक सेंटर में फोकस रखने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। तो और इसके अलावा इसके अंदर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। मिसाल के तौर पे जो टच स्क्रीन की वजह से आप जो सामने की जो आप देख रहे हैं ये मेन्यू सेक्शन, इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो करें। और सबसे बेस्ट पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, जो कि मेरे लिए बड़ा काम आसान हो गया, वो हो गया कि आप इसके अंदर अपनी कस्टमाइज्ड लट्स, जो कलर पैलेट्स जिसको आप कहते हैं, वो लोड कर सकते हैं। कैसे कि भाई आप जैसे अगर शूट कर रहे हैं कोई भी फॉर्मेट के ऊपर, एस लॉग के ऊपर या विदाउट पिक्चर प्रोफाइल के ऊपर, और फिर आप जब एडिट पे अपनी कलर पैलेट्स जो आपके पास बनी होती हैं बिल्ट इन, या आपने खुद बनाई हैं या आपने कहीं से नेट से डाउनलोड की हैं, तो उनको जब आप रखते हैं तो फुटेज जो है ना वो अजीब सा जो है ना साउंड कर रही होती है, क्योंकि वो एक्चुअल उस कलर पैलेट थीम के ऊपर जो है ना वो शूट नहीं की गई थी, उसकी डायनामिक रेंज उसके हिसाब से सेट नहीं होती। तो आप इसके अंदर एक SD कार्ड लगा के अपनी मर्जी की जो भी आप कलर आपको पसंद है थीम, वो आप लोड कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आप अपने कैमरे की सेटिंग करें। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि भाई ये जो है रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से जो मैं एक्चुअल एडिट के ऊपर कलर्स करूँगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, जैसे आप अपनी सेटिंग जो है ना उस हिसाब से रख सकते हैं कि ये सिर्फ आपको एक प्रीव्यू दे रही है, मतलब ये एक्चुअल इस कलर जो है ना रेंज के ऊपर शूट नहीं कर रही, ये सिर्फ आपको एक प्रीव्यू देने के लिए, आइडिया देने के लिए कि आप जब एडिट पे ये कलर पैलेट यूज़ करेंगे तो आपकी फुटेज इस तरह का साउंड करेगी। तो आप उस हिसाब से अपने कैमरे की सेटिंग्स को आगे पीछे कर सकते हैं, ISO, शटर, व्हाटएवर, जो भी S-Log, S-Log 3, S-Log 2, जो आपका दिल करे। तो साथ में इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि पोर्टेबल है, छोटी सी, लाइट वेट है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैटरी के ऊपर चल जाती है, 12 वोल्ट जो है अडॉप्टर के ऊपर भी चलती है। तो बैटरी इसके अंदर सोनी की L सीरीज बैटरी जो एक बड़ी कॉमन आपको इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, वो जो है आप कर सकते हैं। साथ में हमें ऊपर जो है एक कंट्रोल व्हील मिलता है देखने को, जिससे आप बाकी सारे ऑप्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में ये टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और ऑडियो प्रीव्यू जो है वो भी आप ले सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए। ऑब्वियसली फुल ब्राइटनेस पे ज़्यादा जल्दी बैटरी कंज्यूम करेगा, कम उस पे जो है कम करेगा। और राइट साइड को अगर आप जो है ना वो स्वाइप अप करते हैं तो आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल सकता है। A6500 जैसे कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑडियो का जो है प्रीव्यू नहीं होता, तो आप उस कैमरे को
इससे कनेक्ट करके आप उसका ऑडियो भी ले सकते हो। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऑप्शन जो है ना इन्होंने दिए हैं। खैर बाकी सारी डिटेल्स जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इनके स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप के आपको ये छोटा सा मेरा फील्ड वर्ल्ड अलर्ट 6 का रिव्यू पसंद आया होगा और आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद किसी एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप तब तक अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।